तो देखो मैंने एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है जिसमें ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे होती है, ये देखने से पहले, ये समझने से पहले हमको लेंज लॉ समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमने फेराडे की इक्वेशन देखी थी, तो फेराडे की इक्वेशन क्या थी, ई बराबर होता है डी अपॉन में डी टी और इंटू में क्या गया पे लैम्बडा। ठीक है ना, तो फेराडे की लॉ में देखो यहाँ एक कमी थी माइनस सिंबल की, तो यहाँ एक माइनस साइन और आएगा। ये माइनस साइन आता है किसकी वजह से, लेंज लॉ की वजह से। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या होता है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चालक तार में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका मीन्स ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण ये आई है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, लेंज लॉ। चलिए अब देखिए इसको हम इस सर्किट में अप्लाई करने वाले लेंज लॉ को, तो आप देखते जाइएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वोल्टेज वी वन दी है जो एसी वोल्टेज है, यहां से करंट आई आई वन, इस आई वन करंट की वजह से हमने राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया, तो इस आई वन करंट की वजह से फ्लक्स आया फाई, वो फाइव फ्लक्स जाएगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए चूंकि ये फ्लक्स एसी अगर है, ये फ्लक्स एसी है तो उसकी वजह से इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इस कॉइल में, उससे जो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मीन्स ये जो ईएमएफ आने वाली है, ठीक है, उस ईएमएफ की वजह से अगर मैं करंट निकालू, उस ईएमएफ की वजह से करंट निकालू तो वो इस आई वन करंट के अपोजिशन में होगी। समझ आई बात। इसका मींस दोबारा सुन लीजिए कि अगर मान लो यहां कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, यहां कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो उस ईएमएफ की वजह से कुछ करंट आई या नहीं आएगी, ठीक है, तो वो जो करंट होगी उस केवल पर्टिकुलर ईएमएफ के होने की वजह से जो करंट होगी वो इस आई वन के अपोजिशन में होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर वो करंट इस आई वन के अपोजिशन में है, इसका मतलब उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो इस आई वन की वजह से आने वाले फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो चलो हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि यहां जो वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज आने वाली है इसको मैं बोल देता हूं ई वन, तो उसकी पोलरिटी इस प्रकार होगी कि उसकी वजह से जो करंट आएगा वो इस आई वन का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे थे कि इस ई वन की वजह से जो करंट आती तो वो किस दिशा में आनी चाहिए थी, इस दिशा में आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, तभी वो क्या करेगा, इस आई वन का अपोज करेगा। इसका मीन्स देखो करंट प्लस से हमेशा निकलती है और माइनस में एंटर करती है, तो इस ई वन की वजह से करंट यहां से निकलेगी, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। इसका मतलब ये जो हमने ई वन दिखाया है ये लेंज लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इस सर्किट में देखिए, यहां देखो फ्लक्स नीचे की तरफ है ना, अगर फ्लक्स नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन में होगा बताओ मुझे। देखो करंट नीचे की डायरेक्शन में है, इसका मतलब सॉरी फ्लक्स फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में है तो उंगलियां कहां होंगी, करंट की दिशा में होंगी, तो देखो करंट कहां होने वाला है, देखो तो ऐसे फ्लक्स है तो करंट होगा इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इस वाइंडिंग में जो करंट आए वो करंट अपोज करे किसका, वो करंट किसका अपोज करे, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मीन्स इस वाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस्ड होगा या वोल्टेज आएगी, वो वोल्टेज इसको मैं बोल देता हूं अभी ई टू, वो वोल्टेज इस तरीके से आएगी कि वो इस करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स आया जिसके कारण ये E2 आ रहा है उस फ्लक्स का क्या करेगी, अपोज करेगी। इसका मीन्स ये हुआ कि इस वाइंडिंग में जो E2 आएगा उसकी वजह से जो करंट आएगी वो इसका इस करंट के क्या होगी, अपोजिशन में होगी। इसका मतलब इस E2 की वजह से जो करंट आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब देखो यहां क्या आएगा प्लस और यहां क्या आएगा माइनस। अब देखिए आप
एक सिंपल बात देखिए, अगर यहां से करंट इस प्रकार जाएगी तो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ तो फ्लक्स कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा। अगर फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा इस वाइंडिंग में करंट की वजह से, तो देखो अपोज कर रहा है नहीं कर रहा है, मेन फ्लक्स कहां है, नीचे की तरफ, और इस वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ आ गई ये बात। अब देखिए लोड में करंट यहां से जा रहा है तो इसका मतलब यहां क्या होगा, करंट जहां से एंट्री करेगी वहां प्लस और जहां से बाहर निकलेगी वहां क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। और तो फिर करंट देखो यहां से ऐसे जाएगी और यहां इस तरीके से फ्लो करेगी, तो यहां से करंट आएगी और यहां पे अंदर चली जाएगी। यहां देखो दोबारा यहां क्या हो रहा है, यहां हमने क्या देखा था, तो यहां ऐसे प्लस होगी और यहां पे क्या होगी, माइनस। अब मैं इस रेड वाले मार्क को हटा देता हूं। अब इसकी वजह से जो करंट आ रहा है उसका देखो, तो करंट इस डायरेक्शन में है, तो देखो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कहां होगा, नीचे की तरफ। तो इवन इस वोल्टेज की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो नीचे की तरफ होगा। तो देखो ये मेन फ्लक्स अपोज कर रहा है नहीं कर रहा है, मेन फ्लक्स कहां है, ऊपर की तरफ है, जबकि इस इवन की वजह से जो करंट आ रही है उसकी वजह से फ्लक्स कहां है, नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखो मुझे अगर इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो दो तरीके से हम देख सकते हैं। देखो जैसे हमने यहां देखा, हमने जो ये E1 दिखाया, हमने E1 को इस प्रकार दिखाया कि E1 उस कारण का अपोज कर रहा है, इसका मतलब E1 इस V1 के अपोजिशन में है, ठीक है। तो हमने अपोजिशन सर्किट में दिखाया हुआ है, हमने फ्लक्स के अपोजिशन में दिखाया हुआ है, तो अगर हमने सर्किट में अपोजिशन दिखाया हुआ है तो हमें इक्वेशन में माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में यहां कोई भी माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने सर्किट में अपोजिशन नहीं दिखाया हुआ, इसका मींस ये कि इस E1 की वजह से जो करंट आएगा वो अगर इस I1 की दिशा में ही है तो वो अपोजिशन में नहीं हुआ। इसका मींस ये हुआ कि मैं अगर यहां प्लस लगा दूं और यहां माइनस लगा दूं तो इस E1 की वजह से करंट कहां होती, इस डायरेक्शन में होती, और I1 करंट भी कहां है, वो भी इसी दिशा में, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिशन में नहीं है। या फिर ऐसे देखो, इस I1 की वजह से फ्लक्स कहां था, ऊपर की तरफ, और इस E1 की वजह से जो करंट आ रहा है उसकी वजह से फ्लक्स कहां होगा, इसकी वजह से फ्लक्स भी कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब दोनों कहां है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमें अपोजिशन दिखानी पड़ेगी इक्वेशन में। तो देखो होगा E1 बराबर माइनस N1 और d∅ अपॉन में dt, ठीक है। और E2 को हम कैसे लिखेंगे, E2 बराबर माइनस N2 d∅ अपॉन में dt, ठीक है। चलिए इसके बाद EMF इक्वेशन क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इस मेन लेक्चर में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।